नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदर सिंह और आज इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं मेगालिथ के बारे में। सबसे पहले जानते हैं मेगालिथ क्या होते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या है और मेगालिथ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में किस किस हिस्सों पर, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के किन हिस्सों में जो है मेगालिथिक एज आया, मतलब कि यह भी एक टाइप का स्टोन एज था। जैसे हमने पैलियोलिथिक पढ़ा, मीजोलिथिक पढ़ा, उसके बाद फिर नियोलिथिक पढ़ा, चाल्कोलिथिक पढ़ा, तो वैसे ही ये मेगालिथ भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारी हिस्ट्री को जानने के लिए। हम इन्हीं मेगालिथ से हम काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं अपने इतिहास के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में। इसके बारे में अभी हम डीपली देखते हैं, ब्रीफ में देखते हैं। और ये एक ऐसा समय था जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था, वहाँ पर इनइक्वलिटी थी, ठीक है। तो देखते हैं, अगर हम मेगालिथ की बात करें तो मेगा का मतलब होता है एक बड़ा, मतलब कि बिग लार्ज, और लिथ का मतलब होता है स्टोन। जैसे देखा था ना आपने पैलियोलिथिक, हाँ पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब स्टोन एज, तो वही चीज है सेम कि मेगा लिथ मतलब कि बिग स्टोन, और मेगालिथिक का मतलब होता क्या, बिग स्टोन एज। तो ये कहाँ पर हम सिर्फ देखेंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो भारत का हिस्सा है, बस इसी को हम ध्यान में रख के देखेंगे। और तो कंट्रीज में भी मेगालिथ पीरियड चल रहा था, मेगालिथिक पीरियड चल रहा था, लेकिन हम सिर्फ इंडिया के बारे में ही देखेंगे। ओके, तो फिर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1500 BC, मतलब कि आज के लगभग 3000 साल पहले मेगालिथिक पीरियड था कहाँ पर, भारत में। लेकिन अगर दूसरी रूप में देखें तो भारत के नॉर्दर्न हिस्से में, ठीक है, भारत का जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पर आर्यस आ गए थे। आर्यस कब आए, 1500 BC में आए, यही सेम पीरियड था, और आए और यहाँ सब कॉन्टिनेंट में बस गए, ठीक है, यहाँ नॉर्दर्न सप्त सिंधु एरिया में जो बस गए, और यहाँ पर इन्होंने ऋग्वेद लिखना चालू किया, ऋग्वेद की स्टार्टिंग वहां पर चालू हुई। और लेकिन और जो हिस्सा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जैसे ये हमारा प्यारा इंडिया है, ठीक है, तो यहाँ तो ये ऋग्वेद लिख रहे थे आर्यन, लेकिन इसके अलावा जो हिस्सा था, जैसे कि ये नॉर्थ वेस्टर्न जो एरिया था भारत का, उसके साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न एरिया था, उसके साथ डेक्कन जो एरिया था, हाँ डेक्कन, तो यहाँ सब क्या होता था, लोग जो एक्सपायर होते थे, मर जाते थे, उनके रिलेटिव, तो उनको दफनाकर वहां पर बड़े बड़े पत्थर लगा दिया करते थे। अब ये पत्थर क्यों लगाते थे, इसके बारे में अभी हम देखते हैं। पत्थर इसलिए लगाते थे ताकि उनकी जो ब्यूरियस साइट है उसका एक मार्क रहे, एक आइडेंटिटी रहे, एक पहचान रहे। जैसे मान लीजिए उनके कोई एंसेस्टर मर गए या फिर कोई रिलेटिव मर गए, तो मरने के बाद एक उनका पहचान बना रहे, वो समझ सकें कि हाँ ये हमारे रिलेटिव का ही जगह है, यहीं पर उनको दफनाया गया। नहीं तो क्या होगा, कुछ सालों बाद बॉडी जो है उसका डीके होते होते डिकम्पोज हो जाएगा पूरी तरीके से, बस स्केल्टन बजेगा, तो स्केल्टन से तो कोई भाई पहचान नहीं पाएगा, हाँ कि स्केल्टन की ये हमारे रिलेटिव का है। तो इसलिए वहां पर एक अलग तरीके से सभी लोग क्या करते थे, पत्थर लगा दिया करते थे। ये पत्थर भी दो तरीके के होते थे, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में कैसे कैसे ये पत्थर लगाते थे लोग। अब बात करेंगे इन्हीं एरिया में ही क्यों अधिकतर ये मेगालिथिक एज आया, हाँ जो ये नॉर्दर्न एरिया था हमारे भारत में, यहाँ पर क्यों नहीं आया, यहाँ जहाँ नदियाँ बहती थी यहाँ क्यों नहीं आया, तो इसके पीछे एक ही कारण है, हाँ हम देख सकते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। जो यहाँ पर डेक्कन एरिया, ये पूरा प्लेटू का एरिया, पठारी एरिया, साथ ही साथ अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न एरिया देखें भारत का, तो इस एरिया में हमको क्या मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा पहाड़ है, पहाड़ी एरिया है, और नॉर्थ ईस्टर्न जो एरिया है यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पहाड़ है, तो पहाड़ है तो वहाँ से इजीली पत्थर पाए जा सकते थे, तो लोगों के दफनाने के बाद उनकी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए वहाँ पर पत्थर इजीली लगाया जा सकता था। लेकिन यहाँ क्या था, नॉर्दर्न एरिया में यहाँ तो भाई नदियाँ बहती थी, बालू था, हाँ अल्यूवियल सॉयल था, तो इन अल्यूवियल सॉयल से पत्थर पाना बहुत कठिन बात था। तो इसलिए क्या होता था, यहाँ पर दूसरे तरीके से कल्चर थे, यहाँ पर ऐसे कल्चर नहीं थे, बिल्कुल भी ऐसे कल्चर नहीं थे कि यहाँ पर लोगों को दफनाया तो जरूर जाता था लोगों के, यहाँ पर भी ब्यूरियस पाए गए, ठीक है, नॉर्दर्न एरिया में, लेकिन वहां पर कोई भी किसी भी तरीके से ऐसा नहीं पाया गया कि पत्थर का इस्तेमाल हुआ हो लोगों को एक आइडेंटिटी बनाने के लिए। हाँ अब आज का समय होता तो कोई रिलेटिव एक्सपायर हो जाता, हाँ किसी के चच्चा चच्ची कोई भी एक्सपायर हो जाते, जैसे ही हमारे दोस्त हैं, तो फिर इस तरीके से क्या होता कि वहाँ पर फोन कर दिया जाता, तो फिर एक ट्रक आ जाता पत्थर, और वहाँ पर एक नई आइडेंटिटी बनाई जाती। देखिए उस टाइम पे इतना ट्रांसपोर्ट भी नहीं था कि कहीं से पत्थर जो है ले आके उसके बाद जहाँ पर लोगों को दफनाया गया है वहाँ पर एक आइडेंटिटी बनाया जाए, एक पहचान बनाया जाए। तो इसी के साथ जो है इसी को मार्क करने के लिए जो है ब्यूरियस में जो है बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे।
ये प्रैक्टिस जो है 3000 साल पहले चालू हुआ। मैंने बताया कि जैसे ऋग्वेदिक सेंट्रल एशिया से जो है जो आर्यंस है वो भारत में आ गए थे, नॉर्दर्न पार्ट में मोस्टली आके सेटल हो गए थे और ऋग्वेद लिखना स्टार्ट कर दिए थे सप्त सिंधु रीजन में, ठीक है, और ऋग्वेद लिखना चालू कर दिए थे। ऋग्वेद के बाद एक नया कल्चर आया जिसको सनातन धर्म कहते हैं, सनातन धर्म की स्टार्टिंग हुई। लेकिन जो और एरिया था वहाँ के लोग तो ऐसा कुछ लिटरेरी सोर्स लिख नहीं रहे थे। जैसे हमारी हिस्ट्री को जानने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक होता है लिटरेरी सोर्स और दूसरा होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। जो मोस्ट एंशियंट हिस्ट्री है, ठीक है, जो बहुत पुरानी प्राचीन भारत का ही इतिहास है या प्राचीन दुनिया का इतिहास है, तो उसको जानने के लिए अधिकतर जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, जो पुरातात्विक सोर्सेस हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे तो किताबें लिखी नहीं गई थी या फिर कोई भी चीज़ लिखा नहीं गया था। जैसे हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो उसके बारे में वहां तो स्क्रिप्ट पाए गए, लिखने पढ़ने का सोर्स पाया गया, लेकिन हम उसको पढ़ ही नहीं पाए तो हमें क्या पता कि उस टाइम पे क्या रहा होगा। लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, ठीक है, जो पुरातात्विक सोर्स है, बहुत कुछ बता रहे हैं कहां हड़प्पन के बारे में। तो वही सेम चीज था कि यहां पर तो भाई ऋग्वेद इन्होंने लिख दिया, ऋग्वेद से हम बहुत कुछ जान जा रहे हैं, हाँ, वर्ड सिस्टम के बारे में जान जा रहे हैं, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था ये हम जान जा रहे हैं। उसके बाद फिर कई चीजें हमारे समाज में कौन कौन से देवी देवता की पूजा स्टार्टिंग हो गई थी ये हम जान रहे हैं। शांति को बनाए रखने के लिए ऋग्वेदिक पीपल क्या करते थे, गाय को कितना इंपॉर्टेंस था। लेकिन और जो हिस्सा था मेगालिथ में था, इनके बारे में एक ही सोर्स है कि उन ब्यूरियल से खुदाई करना, वो जो जहां लोग गाड़े गए हैं, दफनाए गए हैं, जो ग्रेव है उनका, ठीक है, उसको खोदना है और उसके बाद उसके जो साथ स्केल्टन मिले हैं उन स्केल्टन पे स्टडी करना है, ठीक है, उसके स्केल्टन के साथ जो चीजें मिली हैं उसके बारे में पढ़ना है, उसके बाद तब हम इन मेगालिथ के बारे में जान सकते हैं इजीली। तो ये हुआ कि ऋग्वेदिक के टाइम पे था। अब मोस्टली देखा जाए तो ये मेगालिथ जो है ये दो तरह के पाए गए। मेगालिथ का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर, जैसे होता नहीं है मेगा मार्ट, मेगा का मतलब एक बड़ा, मार्ट का मतलब मार्केट, वैसे ही बड़े बड़े जो है पत्थर इस्तेमाल होते थे। कैसे? एक तो होता सरफेस पे, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसे एस्पायर हुआ, हाँ, और उसके बाद फिर बगल बगल में बड़े बड़े पत्थर उसके सरफेस पे लगा दिए जाते थे। और एक था अंडरग्राउंड कि लोगों को दफनाने के बाद वो पत्थर आधा जमीन में धंसे रहते थे, ठीक है, आधा ऊपर रहते थे, तो ये मार्क रहता था। तो इसी तरीके से जो है वो टू टाइप्स के मेगालिथ होते थे। और अगर दोस्तों हम जानेंगे कि जो मेगालिथ है, ठीक है, बड़े बड़े जो पत्थर हैं जो लगाए गए भारत के उन हिस्सों में जहां पर ऋग्वेदिक कल्चर नहीं था, लेकिन उनसे हमारे जो इतिहासकार हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो क्या जानते हैं, उनसे हमको क्या पता चलता है हमारे हिस्ट्री के बारे में, किस तरह से वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे हिस्ट्री को, मेन फ्रेम करते हैं क्या, मेगालिथ। दोस्तों जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो वहाँ पर खुदाई करते हैं, ग्रेप्स की, ब्यूरियल्स की खुदाई करते हैं, जिससे क्या होता है हमको पता चलता है उस टाइम के हिस्ट्री के बारे में। अब ये कैसे पता चलेगा? जैसे हम जान सकते हैं उस टाइम सोशल डिफरेंस कैसा था, सोशल डिफरेंस था कि नहीं था, उसके साथ ही साथ हम जान सकते हैं लोग डेली लाइफ में क्या चीज़ें यूज करते थे। और इसके साथ हम यह भी जानेंगे कि वहाँ पर वार जैसी चीज़ें होती थी कि नहीं, तो इन सब चीज़ों के बारे में चलिए देखते हैं ऐसे ही। तो पहला है कि डेड बॉडीज जो थे वो दफनाए जाते थे, कैसे? पॉट्स के साथ, जो पॉट्स होते थे, बड़े बड़े घड़े होते थे, तो उनके साथ दफनाए जाते थे, क्योंकि अधिकतर लोगों का ये वहाँ पर मान्यता होता था कि जो उनका रीबर्थ होगा वहाँ पर, मतलब रीबर्थ का कॉन्सेप्ट हो सकता है, जो लोग मानते रहे होंगे कि जब रीबर्थ होगा तो ये अपने इस पॉट्स को यूज कर सकेंगे। ये रेड कलर में भी होता था, उसके बाद उसके साथ साथ ब्लैक कलर में भी होता था, तो ये चीज़ें हम जानते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि टूल्स और वेपन आयरन के पाए गए, मतलब कि अभी तो क्या था कि हम सोचते थे कि आयरन के इस्तेमाल महाजनपद पीरियड में बहुत तेज हुआ, लेकिन हमें जब ऐसे स्कल्टन्स मिलते हैं जहाँ पर आयरन मिलते हैं हमको स्कल्टन्स के साथ, वेपन से मिलते हैं, टूल्स से मिलते हैं, तो हमको पता चलता नहीं उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत लोहे का इस्तेमाल चालू हो गया था। उसे कहा जाए तो वो ब्रॉन्ज एज, उसके बाद फिर चालको, मतलब कि ये इसका कॉपर की चीज़ें अधिक पाई गई, लेकिन फिर भी कई जगह पर जो है वेपन्स जो आयरन के बने थे वो भी पाए गए। उसके साथ कई स्केल्टन पाए गए घोड़ों के कई ग्रेट्स पे, तो उससे क्या पता चला कि वहाँ पर लोग मार्शियल भी हो सकते थे, मार करने वाली भी वहाँ पे सिस्टम हो, जातियाँ हो सकती थी कि जो मार करते थे। वैसे उस टाइम पे जात सिस्टम नहीं आई थी, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसा वहाँ पर सोशल डिवीजन था कि कुछ लोग वहाँ पर वारफेयर में पार्ट लेते थे।
अब हम जानेंगे कि हॉर्स इक्विपमेंट जो पाए गए और साथ ही साथ ऑर्नामेंट्स पाए गए किसके, स्टोन के और गोल्ड के, ये हमको क्या बताते हैं। अगर हॉर्स इक्विपमेंट पाए गए तो हमने बताया कि वहाँ पर इसका मतलब पक्का घोड़ा पाया जाता रहा होगा, क्योंकि घोड़े के जो स्केल्टन है वो भी पाए गए। स्केल्टन और फॉसिल्स में यही फर्क होता है, फॉसिल्स जो है वो पत्थर में बदल जाता है बहुत सालों तक दबा रह के, लेकिन जो स्केल्टन होता है वो पत्थर में नहीं बदला रहता, वैसे कि वैसे हड्डियों का ढांचा जो है, कंकाल तंत्र जो है, वैसे का वैसा रहता है। तो ये जो घोड़े की इक्विपमेंट पाए गए और साथ ही साथ स्केल्टन पाए गए, इससे हमें ये पता चला कि घोड़ा पाया जाता था। साथ ही साथ कई ऑर्नामेंट्स ऐसे पाए गए जो स्टोन के थे और साथ ही साथ गोल्ड के भी थे। इसका क्या मतलब है कि कहीं किसी के साथ तो भाई ब्रॉन्ज के ऑर्नामेंट्स मिल रहे हैं, किसी के साथ कॉपर के ऑर्नामेंट्स मिल रहे हैं, और कोई ऐसा है जिसके साथ बहुत ढेर सारा गोल्ड के ऑर्नामेंट्स मिल रहे हैं। मतलब वहाँ पर जो सोशल डिफरेंस था कि कोई रिच था तो कोई पुअर था, मतलब कि सोशल इनइक्वलिटी थी। यहाँ पर बस इकोनॉमिक इनइक्वलिटी की बात करेंगे, यहाँ पर यह नहीं कि कोई जाति था या धर्म था। वहाँ पर कोई ऐसा छुआछूत जैसा कॉन्सेप्ट के कोई हमको सबूत नहीं मिले हैं कि आज की तरह, या फिर जो पहले की थोड़ी हिस्ट्री हमारी थी कि छुआछूत जैसी चीज़ें थी, उसके कहीं पर हमको एविडेंस नहीं मिलता है। अगर हम सोशल डिफरेंसेस की बात करें तो ब्रह्मगिरी जो एरिया है, ठीक है, ब्रह्मगिरी में एक ग्रेव पाया गया, एक ब्यूरियस पाया गया, उसकी खुदाई जब हुई तो वहां पर एक स्केल्टन ऐसा मिला जो 33 मतलब 33 गोल्ड बीड्स के साथ, मतलब कि जो सोने के माले थे 33 माले के साथ, 33 मालों के साथ जो है बीड्स के साथ पाए गए। साथ ही साथ 2 स्टोन बीड्स थे और 4 कॉपर ब्लेड्स थे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी जगह पर जो है काफ़ी रिच रहा होगा, लोग माने होंगे कि इसका रीबर्थ होगा, और साथ ही साथ उसके जो प्रोडक्ट्स थे वो डेली लाइफ में यूज करता था, उसके साथ उसको जो है वहीं पर दफना दिया गया। कई ऐसे भी ग्रेव्स पाए गए जहाँ पर बैंगल्स पाए गए, हाथों में लोग कई सारे कंगन चूड़ियाँ जो है सोने के पहनी है, तो माना जाता है ये औरतें हो सकती हैं। वैसे हमको पता चल जाता है इजीली कि मैन है या वुमेन है, उसके कई वो होते हैं इंडिकेटर होते हैं जिससे आर्कियोलॉजिस्ट पता लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी हमको ये सब चीज़ें पता लगती हैं मेगालिथ से। तो हमने देखा कि किस तरह से मेगालिथ एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है, भारत के कौन कौन से हिस्से हैं, जैसे ब्रह्मगिरी एक इम्पॉर्टेंट जगह हो सकती है, इसका हम नाम ले सकते हैं। और इसी के साथ कई ऐसे साइट्स जो थे, अधिकतर जो इंडिया का डेक्कन वाला एरिया है, डेक्कन का एरिया जो है पूरा पठारी एरिया है, वहाँ पर आसानी से पत्थर पाए जाते हैं। नॉर्दर्न एरिया में मतलब नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, वहाँ भी आसानी से पत्थर पाए गए, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में भी पाए गए। तो उन्हीं पत्थर को इजीली जो है लगा दिया जाता था ग्रेप्स के पास, ब्यूरियस के पास, उसके बाद उनके जो रिलेटिव्स हैं उसका एक नया पहचान बन जाता था। तो यह था मेगालिथ के बारे में। इसका एज हमने देखा कि 1500 BC ऋग्वेदिक के इक्वल था, उसके बाद 3000 साल पहले आज के था। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।